नमस्कार दोस्तों, एडुशन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है अशोकन एडिक्ट्स और अशोकन इंस्क्रिप्शन। इतिहास को समझने के लिए, खास करके मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर को समझने के लिए, अशोकन इंस्क्रिप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज है हमारे लिए। देखिए, मौर्यन जो डायनेस्टी है इसके बारे में हमारा नॉलेज काफ़ी लिमिटेड था, क्योंकि जो लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका, यहाँ से पूरे जो जितना नॉलेज हमारे पास अभी अवेलेबल है वो काफ़ी नहीं मिलता है। कि इसका एक रीज़न ये है कि अर्थशास्त्र जो है वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में तो बताता है, लेकिन सोशियो रिलीजियस और कल्चरल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताता है। दूसरी तरफ मेगास्थनीज की जो इंडिका है, इंडिका इज नॉट एंटायरली अवेलेबल, उसके काफ़ी पोर्शन डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है उसके डिस्कवरी के बाद अशोकन या फिर मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें काफ़ी नॉलेज मिला है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अशोकन जो इंस्क्रिप्शन है इसकी पहली डिस्कवरी की थी जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप फॉर द फर्स्ट टाइम हैड डिसाइफर्ड द अशोकन इंस्क्रिप्शन। देखिए, अशोकन इंस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ था वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट और बहुत सारे दूसरे स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया और उसके बाद से इसके ऊपर बहुत सारा स्टडीज और बहुत सारे रिसर्च होने लगे, जिसके बाद अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में या उनकी एडिट के बारे में हमें काफी नॉलेज मिला। तो देखिए, अशोकन इंस्क्रिप्शन में या उनके एडिक्ट में मेनली ये तीन चीज आता है, मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट एंड पिलर एडिक्ट, ठीक है ना। और ये जो इंस्क्रिप्शन जो एडिक्ट में जो लिखा गया है, बेसिकली देखिए इंस्क्रिप्शन है क्या, दिस इज इंस्क्रिप्शन इज ऑन अ पीस ऑन अ सरफेस ऑफ रॉक, वो पिलर हो सकता है या फिर कोई भी रॉक हो सकता है, उसके सरफेस में कुछ लिखना, इंस्क्राइब करना, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। तो ये किया गया था बेसिकली पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज में, जो कि कॉमन लैंग्वेज था उस टाइम पे। लेकिन उसका जो स्क्रिप्ट यूज हुआ था वो मेनली चार टाइप के स्क्रिप्ट यूज हुआ था, सबसे ज्यादा ब्राह्मी स्क्रिप्ट, उसके बाद खरोस्ती, अर्माइक एंड ग्रीक। इनमें से देखिए ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट था वो इंडियन था, लेकिन खरोस्ती और अर्माइक जो स्क्रिप्ट था उसमें पर्शियन इन्फ्लुएंस था, और दूसरी तरफ ग्रीक जो स्क्रिप्ट था वो तो आपको समझ में आ ही रहा है कि ग्रीक इन्फ्लुएंस था। तो ये एक चीज दिखाता है कि अशोक के साथ या अशोकन एम्पायर के साथ जो पर्शियन और जो ग्रीक इन्फ्लुएंस है वो काफी देखने को मिलता है। यहाँ तक कि देखिए अशोकन के जो पिलर्स है, अशोक के जो पिलर्स है, पिलर्स में भी पर्शियन और ग्रीक दोनों इन्फ्लुएंसेस देखने को हमें मिलता है। अब देखिए यहाँ पे जो ये मैप दिखाया गया है, यहाँ पे इस पे दिखाया गया है कि अशोकन पिलर्स या अशोकन एडिक्ट्स कौन से एडिक्ट्स कहाँ पे अवेलेबल, मतलब कि मिला है। तो ये जो साइन है स्क्वायर टाइप, दिस इज मेजर रॉक एडिक्ट, जैसे कंदहार, कलसी, फिर बताइए जोगादा, धौली, सोपारा, इन सारे एरियाज में मेजर रॉक एडिक्ट मिला है। ये माइनर रॉक एडिक्ट एंड दिस ट्रायंगल इज पिलर एडिक्ट, ठीक है। तो ये एक मैप है जिसके ऊपर काफी क्वेश्चन आता है, खास करके ऑप्शनल के जो मैप बेस्ड जो क्वेश्चन आता है मैप मार्किंग, उसमें ये काफी हेल्प करेगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया कि उनके अवेलेबिलिटी के ऊपर कहाँ पे इनका एडिक्ट मिला है और कौन से एडिक्ट मिला है। तो आज के हमारे क्लास में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जो अशोकन एडिक्ट है इसकी सिग्निफिकेंस इतिहास में क्या है। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले आता है वो ये है कि अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो उसमें जो लैंग्वेज यूज किया गया था दैट इज पाली एंड प्राकृत। तो पाली और प्राकृत क्या था, कॉमन लैंग्वेज था, जो आम लोग मतलब कि जिस लैंग्वेज पे बात करते थे। लेकिन उसमें जो स्क्रिप्ट यूज किया गया था दैट वॉज डिफरेंट स्क्रिप्ट। उनमें देखिए ये जो खरोस्ती, अर्माइक एंड जो ग्रीक स्क्रिप्ट था दैट वॉज फॉरेन स्क्रिप्ट। तो इससे समझ में आता है कि देयर वॉज ए फॉरेन कॉन्टैक्ट, डेफिनेटली देयर वॉज ए फॉरेन कॉन्टैक्ट विद द अशोकन एम्पायर। और ये चीज हमें देखने को भी मिलता है बाकी सारे सोर्स, बाकी सारे इंफॉर्मेशन से भी हमें ये देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ उनके जो स्क्रिप्ट है दैट ऑल्सो प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द लैंग्वेज, द लोकल लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, जैसे कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज ए लोकल स्क्रिप्ट। दूसरी तरफ ये जो स्क्रिप्ट है दिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल जो सिक्स पिलर एडिक्ट है, जो सिक्स पिलर एडिक्ट है दैट गिव्स अस द नॉलेज दैट दैट अशोक हैड स्टार्टेड टू इशू द मेजर रॉक एडिक्ट इन हिज 13th रेनल ईयर, दैट इज जब वो रूल कर रहे थे उनके 13th ईयर पे उन्होंने मेजर रॉक एडिक्ट इशू करना स्टार्ट किया था। दूसरी तरफ जो 13th मेजर रॉक एडिक्ट है उससे ये पता चलता है कि कलिंगा वॉर जो लड़ा गया था
अशोक ने लड़ा था, ही हैड फॉट इट ऑन हिज नाइन्थ ईयर ऑफ हिज रूल, ठीक है ना। तो ये जो वेरियस एक्टिविटीज है, इन बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज के बारे में इन सारे एडिक्ट्स में पता चलता है। दूसरी तरफ देखिए, जो पॉलिटिकल बाउंड्री है अशोकन एम्पायर की, ये पॉलिटिकल बाउंड्री बिकम्स क्लियर ओनली विद दिस एडिक्ट। तो क्योंकि जहां जहां पे ये अशोकन एडिक्ट है, ये समझा जा सकता है, ये बताया जा सकता है कि दैट वॉज अ पार्ट ऑफ अशोकन एम्पायर। तो इसी से देखिए, ये जो मैप में, पिछले मैप में दिखाया गया है, यहाँ पे जो ये जो पॉलिटिकल बाउंड्री देखिए दिखाया गया है, ये एडिक्ट के हिसाब से ही इसको डिटरमाइन किया गया है। सो दिस ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया वॉज पार्ट ऑफ अशोकन एम्पायर एक्सेप्ट फॉर दिस डीप साउथ। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में भी बात किया था कि ये जो डीप साउथ में है, इस डीप साउथ में तीन छोटे छोटे स्टेट आ गया था, दैट वॉज चेराज, यहाँ पे चेराज आए थे, जो केरला रीजन है चेराज, और यहाँ पे आए थे चोलास, चोलास, और यहाँ पे आए थे पांड्यास, और यहाँ पे आए थे पांड्यास। एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया, इनफैक्ट कांदाहार जो कि अफगानिस्तान में बिलोंग करता है, दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ अशोकन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर एट दैट टाइम। और अशोकन रॉक एडिक्ट से ये भी पता चलता है कि ये जो तीन डीप साउथ के जो स्टेट थे, यहाँ इसके साथ भी अशोक के मतलब कि कांटेक्ट था, क्योंकि उनके एडिक्ट में इन तीनों के बारे में भी मेंशन किया गया है, और वहाँ से भी इन लोगों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है ना दोस्तों। दूसरी तरफ देखिए, पॉलिटिकल बाउंड्री तो हो गया, और देखिए उनकी जो नाम है देवनाम पिय पियादसी, ये सबसे पहले उनके एडिक्ट में ही मिलता है। देखिए इसके पहले क्या था, दो श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, एक था दीपवंश और एक महावंश। दिस टू आर टू श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट जहां पे ये नाम देवनाम पिया मिलता था। तो पहले हिस्टोरियंस ने सोचा था कि देवनाम पिया शायद कोई श्रीलंकन रूलर का नाम होगा, लेकिन बाद में चल के जब अशोकन एडिक्ट डिसाइफर किया गया और वहां पे ये देवनाम पिय पियादसी नाम मिला, तो समझ में आने लगा कि दिस इज बीइंग रेफर्ड टू एक्चुअली किंग अशोक। और यहाँ ये भी पता चलता है कि अशोक हैड सेंड एम्बेसीज, बुद्धिस्ट एम्बेसीज टू श्रीलंका, जहाँ पे उनके बाद ही श्रीलंका में बुद्धिज्म की मतलब की स्प्रेड हुई, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी एडिक्ट से पता चलता है। उसके बाद देखिए, इट ऑल्सो गिव्स अस नॉलेज अबाउट द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द मौर्यन स्टेट और द मौर्यन एम्पायर। जैसे कि यहाँ पे जो नेचर, द नेम एट द पोस्ट ऑफ द डिफरेंट ऑफिशियल्स वेयर मेंशन्ड, उनके जो पब्लिक ड्यूटी और जो पावर था उनके बारे में बताया गया था, अशोक की जो पर्सनल हिस्ट्री है उनके बारे में बताया गया था, अशोक ने जो वेलफेयर मेजर जो एडॉप्ट किया था उनके बारे में बताया गया था, और फिर उनके जो फॉरेन रिलेशंस है उसके बारे में भी इसमें कहा गया है। उनके जो अशोक की जो धम्म, अशोक धम्म, ये जिसके बारे में कहा जाता है, विच इज बेसिकली द कोड ऑफ कंडक्ट। बहुत सारे हिस्टोरियंस का तो मानना है कि उन्होंने अपना एक खुद का रिलीजियन दिया था, लेकिन आज के टाइम पे जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थियोरी है वो ये है कि ही हैड ट्राइड टू गिव अ कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे लोगों को अच्छे से लाइफ लीड करना है, इसके बारे में उन्होंने लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया था थ्रू दिस अशोकन इंस्क्रिप्शन, थ्रू दिस एडिक्ट। तो यहाँ पे भी बताया गया था कि लोगों को किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से चलना है। तो यहीं पे उनके जो वेलफेयर स्टेट है, लोगों की जो जो ड्यूटीज होनी चाहिए या राइट्स होने चाहिए, उसके बारे में भी ये कहा गया है इन एडिक्स में। दूसरी तरफ, दिस एडिक्स गिव्स अस नॉलेज अबाउट द मटेरियल कल्चर ड्यूरिंग अशोकन पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ के जो उस टाइम पे जो ट्रेड एंड कॉमर्स की डेवलपमेंट हो रही थी, जैसे पंचमार्क कॉइन उस टाइम पे चल रहा था और ट्रेड एंड कॉमर्स की जो डेवलपमेंट हो रही थी, उसके बारे में एडिक से पता चलता है। दूसरी तरफ, ये जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि रिलेशन विद द नेबरिंग स्टेट, जो साउथ के जो नेबरिंग स्टेट है, जैसे चोलास, चेराज एंड पांड्यास, उनके बारे में इसमें कहा गया है। दूसरी तरफ देखिए, सोशो रिलीजियस लाइफ के बारे में भी इसमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे कि लुम्बिनी में एक पिलर एडिक्ट मिला है, जहाँ पे ये कहा गया है कि क्योंकि ये बुद्धा की जो बर्थ प्लेस है, तो इस गांव में जो लैंड रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू को कम कर दिया गया था लोगों के लिए, 1/4 से 1/8 कर दिया गया था।
नॉर्मली लैंड रेवेन्यू वॉज 1/4, लेकिन लुम्बिनी विलेज में इसको 1/8 कर दिया गया था। और पता चलता है जैसे कि अशोकन एम्पायर में जो एनिमल सेक्रीफाइसेस थी उसको भी प्रोहिबिट किया गया था, और बुद्धिज्म की स्प्रेड के लिए भी उन्होंने काफी काफी कुछ बनवाया था। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्तूपाज उन्होंने बनवाया था, और बुद्ध की जो मैसेजेस है उनकी जो टीचिंग्स है उसको स्प्रेड करने के लिए भी उन्होंने काफ़ी एम्बेसीज एमिसरीज भेजा था। दूसरी तरफ जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है उसके बारे में भी कहा गया है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज ऑल्सो ऑर्गेनाइज बाई अशोक, जिनमें जो त्रिपिटक की जो लास्ट जो पिटक है दैट इज अविदम पिटक विच गिव्स अस अबाउट द फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बुद्धस टीचिंग, दैट इज सूत पिटक। सूत पिटक की फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन है अविदम पिटक, दैट वॉज ऑल्सो कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग अशोक। तो ये सारे नॉलेज सबके बारे में ये एडिक्ट से, अशोकन एडिक्ट से मिलता है। सो देर इज ए ह्यूज सिग्निफिकेंस अबाउट अशोकन एडिक्ट विथ रिगार्ड टू द हिस्टोरिकल नॉलेज अबाउट मौर्यन एम्पायर। थैंक यू।